बलूचिस्तान की सूबाई नशस्त PB21 हब में दोबारा गिनती के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अली हसन ज़ाहरी की अपील मंजूर करते हुए जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने अली हसन ज़ाहरी की दोबारा गिनती से मुतालिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भेज दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती की दरख्वास्त को एक बार फिर सुनकर फैसला करे। हमारे साथ मौजूद हैं अरफा फिरोज़की। अरफा, आज क्या कार्रवाई रही PB21 की सूबाई नशस्त के केस में? देखिए, आज पहले तो सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के हलका PP45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का जो हुक्म दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली मदद जतक की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो अपील खारिज कर दी है, और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको बरकरार रखे। इस पर जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी ने दौरान समात वकील शहजाद शौकत से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि केस में इल्जाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है, दोनों फॉर्म का फर्क भी जब उसको देख लें रिकॉर्ड से तजाद वाजे नजर आ रहे हैं। हैरान कुन तौर पर फॉर्म 45 से मुतालिक इल्जाम जो वो दोनों तरफ से आए हैं। इस पर वकील शहजाद शौकत ने कहा कि मुखालिफ फरीक की तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की नकूल जो है वो लगाई गई हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि एक भी नकूल सामने आ जाए तो काफी है। जस्टिस इरफान सादत ने भी रिमार्क दिया कि वकील साहब संगीन इल्जाम हैं कि एक रात पहले बैलेट पेपर जो है वो गायब कर दिए गए थे। वकील शहजाद शौकत ने इस पर कहा कि फैसले में जज साहब जो कह रहे हैं उसकी बुनियाद कोई जो है वो नहीं है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि वकील साहब सवाल 16 जो गवाहान हैं उनके बयान दिए गए, हमें तो हैरत है ट्रिब्यूनल से फैसला जो वो कैसे आ गया, एक हलके में तो कुछ शफाफियत आने दें, क्या आप नहीं चाहते कि कम से कम एक हलके में ही जो वो शफाफियत आ जाए। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेजात की बुनियाद पर इंतखाबात को जायज करार दे दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ तहाल इलेक्शन एक्शन जो है वो ना होने पर सवालात उठा दिए और रिटर्निंग ऑफिसर के जो कार्रवाई है उसके खिलाफ जो वो हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ यही बता दें कि बलोचिस्तान की सूबाई नशस्त PB21 हब में भी दोबारा गिनती का केस जो वो जेर समात है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अली हसन ज़ाहरी की अपील जो मंजूर कर ली है। अदालत ने अली हसन ज़ाहरी को दोबारा गिनती से मुतालिक मामला इलेक्शन कमीशन को जो उसे भिजवा दिया, और इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त को असर नौ सुनकर फैसला करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। जी बहुत शुक्रिया।